नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रू में। आज हम बात करेंगे जो श्रीलंका और इंडिया के बीच मैच होने वाला है उसके बारे में, क्या कुछ हमारी ड्रीम इलेवन होने वाली है, क्या कुछ प्लेइंग इलेवन होने वाली है। साथ में दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन रखूंगा यहाँ से ₹50 पेटीएम कैश बोनस का, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जैसा कि आपके लिए मैंने बताया कि आपके एक लाइक मुझे बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहां से टीम न्यूज़ के बारे में। टीम न्यूज़ के बारे में बात करें तो इंडिया टीम में ज़्यादा चेंजेस आपने देखने को ना मिले। शायद लास्ट में दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया था, मेरे हिसाब से वहाँ से अब दोस्तों रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाना चाहिए था। अब एक बात खास बात यह रहेगी दोस्तों, इंडिया सेमीफाइनल किसके साथ खेलेगी, या तो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी या इंग्लैंड के साथ खेलेगी। आप किसके साथ खेलते हुए देखना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। आप न्यूजीलैंड के साथ देखना चाहते हो तो न्यूजीलैंड के साथ कमेंट करिएगा, और आप इंग्लैंड के साथ देखना चाहते हो तो इंग्लैंड के साथ में कमेंट करिएगा। चलिए बात करें दोस्तों मैच कौन होने वाला है। मैच लीड्स से होने वाला है, जो कि एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है। यदि लास्ट मैच आपने यहाँ से देखा हो यहाँ पर ग्राउंड पर, जो कि इस टूर्नामेंट का 42वां मैच था दोस्तों, हाँ जी हाँ दोस्तों 42वां मैच, इसमें वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 311 रन बनाए थे। तो संभवतः यदि इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो यहाँ से ज़्यादा रन का स्कोर आपने को देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं वेन्यू स्टेटस के बारे में। यहाँ पर टोटल 45 मैच खेले गए हैं, इनमें पहले बैटिंग करने वाले ने 18 मैच और सेकंड बैटिंग करने वाले ने 25 मैच जीत के आपके लिए दिए। हालांकि लास्ट मैच यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाले ने जीता था, जैसा कि मैंने बताया आपके लिए वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी की थी। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर, आप किसको भूल जाइएगा क्योंकि काफ़ी पुराना है लेकिन रिकॉर्ड के तौर पर मुझे इससे जमाना पड़ता है। तो यदि दोस्तों इंडिया ने पहले बैटिंग की तो आपके लिए 300 प्लस स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर यहाँ से दोस्तों हाईएस्ट टोटल के बारे में, 351 बनाया दोस्तों, वहीं लोएस्ट टोटल के बारे में 93 रन रहा है। हाईएस्ट चेस 324 रन हुआ है, लोएस्ट डिफेंड आप यहाँ देख सकते हो 165 रन हुआ है। अब बात करें दोस्तों यहाँ से टीम न्यूज़ के बारे में, आपके लिए मैंने बताई दिया कि इंडिया यदि कोई चेंजेस करेगी तो रविंद्र जडेजा को मौका दे सकती है। वो किसकी जगह दोस्तों दे सकती है, दिनेश कार्तिक की जगह, क्योंकि यहाँ से रविंद्र जडेजा यदि टीम में आएंगे तो एक बॉलिंग ऑप्शन और बढ़ जाएगा। बल्लेबाजी दोस्तों हालांकि अच्छी कर लेते हैं, आकर दोस्तों लेट हिटिंग कर लेते हैं, मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा को मौका मिलना चाहिए। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड बात करें, 158 मैच खेले गए दोस्तों, बहुत मैच खेले गए। इनमें से श्रीलंका ने 56 मैच जीते हैं, यहाँ से बात करें इंडिया की 90 मैच जीते, मतलब दोस्तों लगभग दोगुने मैच यहाँ से इंडिया ने जीत के दिए हैं। दो मैच ऐसी रहे जिनमें एक नो रिजल्ट रहा है, एक मैच दोस्तों यहाँ से ड्रा हो गया। चलिए हेड टू हेड वर्ल्ड कप की, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो श्रीलंका भारी होती हुई नजर आ जाएगी। 8 मैचों में 4 मैच श्रीलंका ने जीते हैं, 3 इंडिया ने, एक मैच ऐसा रहा है दोस्तों जो ड्रॉ रहा है। चलिए यहाँ से प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लें, जो स्टार प्लेयर उनके बारे में, रोहित शर्मा, जैसा कि आपने को मैंने बताया बैक टू बैक 100 इन्होंने लगाई हैं, अभी 102 रन किया था दोस्तों लास्ट वाले मैच में, 104 रन किया, मतलब टोटल वर्ल्ड कप में 4 है अभी तक 100 लगा चुके हैं, 150 भी ये लगा चुके हैं। बात करें यहाँ 9 मैच में दोस्तों 695 रन बनाए, 86 के एवरेज, स्ट्राइक रेट भी आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं बात करें विराट कोहली दोस्तों, इन्होंने लगातार 450 लगाई, हालांकि लास्ट के 2 मैचों से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो 9 मैच में इन्होंने 435 रन बनाए, एवरेज भी अच्छा रहा है और स्ट्राइक रेट भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। वहीं दोस्तों इनकी ओर से बात करें, दिमुथ कर्णारत्ने अच्छे परफॉर्मेंस में चल रहा है, यदि लास्ट के 2-3 मैच की बात की जाए तो थोड़े फेल से चल रहे हैं, जो टीम के कैप्टन है। अविष्का फर्नांडो को दोस्तों लास्ट कुछ मैचों में मौका दिया गया, लास्ट मैच में इन्होंने भी शानदार 102 रन की इनिंग्स खेली, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह दोस्तों आपके लिए 4 विकेट निकाल के दिए, आप यहां से देख सकते हो, और लसित मलिंगा ने 3 विकेट निकाले, दोनों ही दोस्तों गुरु चेला हैं इन्होंने, जसप्रीत बुमराह ने योर्कर लसित मलिंगा से सीखी। मोहम्मद शमी ने दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अभी तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, 4 मैचों में 14 विकेट निकाले हैं, लास्ट मैच में इन्हें 1 विकेट मिला था दोस्तों, उससे पहले 3 मैच में 13 विकेट इन्होंने निकाल के दिए थे। इस रोजाना दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिया है, बल्लेबाजी भी इन्होंने करके दिए। चलिए प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में हम यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी शानदार वर्ल्ड कप आपके लिए इनके लिए घटा है, 104 102 आमतौर पर हालांकि मिलता नहीं है, इनकी बड़ी शतक यहां से देखने को मिलती है, उससे पहले 18 रन 1 रन 140 रन 57 रन 122 रन, तो आप यहां से देख सकते हो 122 के बाद की दोस्तों वर्ल्ड कप की इनिंग्स हैं, काफ़ी शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। लोकेश राहुल भी दोस्तों लास्ट मैच में फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आए। विराट कोहली के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ, पिछले 1 या 2 मैच निकाल दिए जाए तो इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस आपके लिए करके दिए हैं दोस्तों, लगातार बैक टू बैक 50 लगाई है इन्होंने। वहीं ऋषभ पंत आप यहाँ से देख सकते हो लास्ट मैच में 48 रन किए हैं दोस्तों, और काफ़ी शानदार और हार्ड हिटिंग करते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करें महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों, जैसा कि मैंने इनके बारे में टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें दोस्तों मैं आपके लिए रिजल्ट दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, तो 49% लोगों का मानना था कि धोनी एक
कमजोर कड़ी है इंडिया की टीम की। दोस्तों मैंने ऑप्शन रखे थे इनमें लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, तो सबका मानना था कि कमजोर कड़ी कौन है दोस्तों, सबसे खराब बैट्समैन अभी इंडिया की टीम में महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि मेरे एक मित्र को ज़्यादा बुरा लग गया था, उन्होंने दोस्तों काफ़ी कुछ बोला भी, लेकिन सिर्फ आपका ओपिनियन है दोस्तों, मेरा ओपिनियन है, इससे हमारे ओपिनियन से होना कुछ नहीं है, जो कुछ करना है वो टीम मैनेजमेंट को करना है। हार्दिक पांड्या के बारे में जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया दोस्तों। इन्होंने 3 विकेट जरूर मिले थे, इन्होंने गेंदबाजी शानदार की थी, भाई समी ने 1 विकेट निकाला था, बुमराह ने 4 विकेट निकाले दोस्तों, और यहाँ से भुवनेश्वर कुमार को मौका दिया गया था लास्ट मैच में, तो उन्होंने भी 1 विकेट निकाला था, उससे पहले खेले नहीं थे, लेकिन उससे पहले पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था। चहल लगभग लगातार खेल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि दोस्तों रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट भी हो जाएगा दोस्तों और अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दे सकते हैं। भाई बात की जाए यहाँ से श्रीलंका की, श्रीलंका की लास्ट मैच कुशल पराया ने 64 रन का स्कोर किया था, शानदार बल्लेबाज, यहाँ पर नेटी में ट्राई कर सकते हो। करुणा रत्न दोस्तों कुछ मैचों में फेल हुए, लेकिन उससे पहले इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके दी थी। अब इसका फर्नांडो को 3 मैच में ही मौका दिया गया, इंजरी के कारण बाहर बैठे हुए थे, तो आप यहाँ देख सकते हो 104 रन किए, 30 रन किए, 49 रन, मतलब आए तब से स्कोर करके आपके लिए दे रहे हैं। कुशल मेंडिस के बारे में बात करें, इन्हें स्टार्ट मिला है, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मैथ्यूज दोस्तों जो कि इनके सबसे अनुभवी गेंदबाज और बल्लेबाज माने जा रहे थे, हालांकि लास्ट मैच में इनसे गेंदबाजी भी कराई गई, 1 विकेट निकाला। धनंजय डिसिल्वा का भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो यहाँ से इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, आप यहाँ से देख लेना, एक बार नजर मार लेना। हालांकि लसित मलिंगा पिछले 2 मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस करके आपके लिए दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे दोस्तों क्रिक डुअल की टीम। जैसा कि दोस्तों मैं आपके लिए इस ऐप के बारे में बताता आ रहा हूँ, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी शानदार ऐप है दोस्तों, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आपके लिए इसमें सबसे खास बात कि कैडेट की कोई इशू नहीं आएगी दोस्तों, और आपके लिए मात्र 8 प्लेयर खिलाना है, और आपको एक और खास बात आपके लिए ये हो जाती है कि इसमें आपके लिए काफ़ी कम कंपटीशन है, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। बात करें दोस्तों यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं यहाँ से कुशल परेरा को टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो ऋषभ पंत या महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करें बल्लेबाजी की, यहाँ से रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ही शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, और लोकेश राहुल, तो यहाँ से मैं रोहित शर्मा को प्रेफरेंस दूंगा, आप चाहो तो इन दोनों के साथ भी जा सकते हो। बात करें थर्ड बल्लेबाज के बारे में, मयंक अग्रवाल तो आपके लिए खेलती हुई नजर ना आए दोस्तों, वहीं विमुक्त करना रत्न अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। अब इसका फर्नांडो दोस्तों शानदार ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से अब इसका फर्नांडो के साथ जाना पसंद करूँगा, आप तो चाहो तो करुणा रत्न के साथ भी जा सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ से बल्लेबाज थर्ड बल्लेबाज की, यहाँ लहरू थ्रिमाने अच्छा ऑप्शन है, एंजेलो मैथ्यूज इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, केदार यादव भी अच्छा होगा, और दिनेश कार्तिक भी अच्छा है, तो यहाँ लहरू थ्रिमाने को मैं टीम में ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑलराउंडर के बारे में बात करें, हार्दिक पांड्या और धनंजय डिसिल्वा, यहाँ से विदाउट हेजिटेशन हार्दिक पांड्या को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। सेकंड बल्लेबाज के बारे में बात करें, तो आप यहाँ से देख सकते हो तेसारा फेरेरा दोस्तों अच्छा ऑप्शन हो, या जीवन मेंडेस, और दोस्तों इतना अच्छा ऑप्शन है कोई यहाँ नहीं, तो यहाँ से तेसारा फेरेरा को टीम में ट्राई करूँगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ से थर्ड ऑप्शन फर्स्ट बॉलर के बारे में, लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सरूदाना, तो यहाँ से मैं जसप्रीत बुमराह के साथ डेफिनेटली जाना चाहूँगा। और बात करें यहाँ सेकंड बॉलर के बारे में, सेकंड बॉलर के बारे में बात करें, तो यहाँ से युजवेंद्र चहल अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से रजी था तो आपके लिए खेलते नजर ना आए, बेंद्र श्री को लास्ट मैच मौका दिया गया था, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। कुलदीप यादव भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, तो यहाँ से मैं चहल को टीम में ट्राई करूँगा। अब बात करेंगे दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के वाले, सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो यहाँ से कैप्टन रोहित शर्मा शानदार ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों, और भाई वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, और दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है यहाँ से अब इसका फर्नांडो को भी आप एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में चूज कर सकते हो। मैं रोहित शर्मा को कैप्टन चूज करूँगा, और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन में यहाँ से चूज करूँगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों कॉन्टेस्ट आपके लिए काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से देख सकते हो आपके लिए कितना ईजी है दोस्तों, 14,000 जीतना, आप यहाँ से मात्र 417 लोगों को पीछे छोड़ना, और एंट्री भी आपको आप यहाँ से देख सकते हो, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए, आप इसमें मल्टीपल टीम से भी टीम के साथ भी खेल सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ से आपके लिए हेड टू हेड और स्मॉल लीग में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप एक बार जरूर इसे ट्राई करिएगा। दोस्तों आप हम चर्चा करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में, उससे पहले दोस्तों आपको यदि इस ऐप को नहीं देखा जो कि अभी तक दोस्तों सबसे अच्छे ट्रेंडिंग ऐप में चल रहा है दोस्तों बल्लेबाजी, इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज हैं दोस्तों, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जैसे आप दोस्तों डाउनलोड करके और दोस्तों साइन अप करोगे Raj123, जी हाँ दोस्तों Raj123 डाल के कोड साइन अप करोगे, आपके लिए ₹50 के कैश बोनस आ जाएगा, तो आप एक बार जरूर खेलिएगा दोस्तों, काफी शानदार ऐप है। अब हम यहां से क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, आज का क्वेश्चन कि इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन निकालेगा। जी हाँ दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट कौन निकालेगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इस मैच में आज के मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन निकालेगा, आपको दोस्तों कमेंट में अपना आंसर कमेंट करना है, जो सबसे पहले और सबसे सही आंसर कमेंट करेगा उसके लिए ₹50 का कैश बोनस दिया जाएगा, तो आप जरूर से एक बार दोस्तों कमेंट करिए।
करिएगा। अब इस एप्लीकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो क्लासिक कॉन्टेस्ट, जिसमें आपके लिए 11 प्लेयर पूरे खिलाना है। बैटिंग में आपके लिए मात्र 5 प्लेयर खिलाना है, बॉलिंग में भी आपके लिए 5 प्लेयर खिलाना है। तो आप इसमें मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके काफी अच्छी अपनी बिनिंग को इंक्रीज कर सकते हो। और एक और साथ में इसकी आपके लिए ऑफर है, यदि आप दोस्तों इसमें ज्वाइन होकर यदि ऐड करते हो, आपके लिए प्रोमो कोड स्टार्ट 100 डालना है, तो आपके लिए 100% कैश बोनस मिलेगा। दोस्तों 100 से लेके आप 5000 तक कितने भी जोड़िएगा, आपके लिए 100% कैश बोनस मिलेगा। तो आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि इतना कैश बोनस शायद ही कोई ऐप दे रहा हो। और काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है, क्योंकि आपके लिए इंटरनेशनल पेरल जो इनका दोस्तों नाम रहा है, अब वो इसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप यहां से समझ सकते हो। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड जरूर करिएगा। इसकी टीम का डायरेक्ट आपके लिए मैं प्रीव्यू दिखा देता हूं। आप इसकी टीम का फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। डिमोट करना रत्न है दोस्तों, यहां बात करें आप इसका, फर्नांडो लोकेश, राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा। यहां से दोस्तों लगभग मैंने टॉप ऑर्डर इंडिया कवर कर लिया है। कुशल परेरा हैं दोस्तों, आप यहां से देख सकते हो, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, मतलब मैंने इंडिया के 7 प्लेयर रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया एक तरफा डोमिनेट करेगी दोस्तों और अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगी तो सेमीफाइनल में दोस्तों तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा। अब बात करें कैप्टन वाइज कैप्टन आपके लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों ही शानदार ऑप्शन है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों इनकी ओर से अब इसका फर्नांडो को टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन हो जाते हैं। डाउनलोड करके दोस्तों जैसे ही आप Raj123, जी हाँ दोस्तों Raj123 कोड डालोगे, आपके लिए ₹50 का कैश बोनस आ जाएगा। इससे भी आप बिल्कुल फ्री में खेल सकते हो, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए। और दोस्तों बॉलर और बैट्समैन की इसकी टीम में आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। चलिए चर्चा कर लेते हैं हमारे ड्रीम इलेवन की टीम। दोस्तों उससे पहले अभी तक की इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसा कि मैंने बताया आपका एक लाइक दोस्तों मुझे बूस्टर की तरह काम करता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो कुशल परेरा आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, ओपन करता हुआ नजर आ जाएगा और अभी दोस्तों ठीक ठाक फॉर्म में भी चल रहा है। कुशल मेंडिस भी दोस्तों आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है। भाई महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों, हालांकि नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, आपके लिए स्कोर करके दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं तो आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई दिनेश कार्तिक तो आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी नीचे बल्लेबाजी, लगभग 6 से 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत को आप टीम में ट्राई कर सकते हो, ये नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपके लिए जैसा कि हमेशा से इसमें कैडेट की प्रॉब्लम आने वाली है, हमेशा की तरह दोस्तों जो कि आपके ड्रीम इलेवन में कैडेट की प्रॉब्लम आने वाली है, तो यहाँ से कुशल परेरा को टीम में ट्राई करूंगा और यहाँ से मैं ऋषभ पंत को टीम में ट्राई करूंगा। चलिए बल्लेबाजी की बात करें, रोहित शर्मा को विदाउट हेजिटेशन ट्राई करूंगा और यहाँ से दोस्तों विराट कोहली दोनों को टीम में ट्राई करूंगा। उसके अलावा डिमुथ करुणारत्ने को भी मैं यहाँ से टीम में ट्राई करूंगा, यहाँ से एंजेलो मैथ्यूज को मैं रिमूव करूंगा दोस्तों और यहाँ से लेरू थ्रुमानो को भी। अब मैं यहाँ से अब इसका फर्नांडो को टीम में ट्राई करूंगा और दोस्तों लोकेश राहुल को, तो लगभग आप यहाँ से देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने पूरी बैटिंग यहाँ से कवर कर ली, दोनों ही टीमों की मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट पूरी बैटिंग कवर कर ली, आप यहाँ से देख सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों और सिलेक्शन हम यहाँ से। अब बात करें ऑलराउंड डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया कैडेट की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, यदि आप सारा परेरा को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए मैं यहाँ से ऑप्शन बता देता हूँ। आप यहाँ से दोस्तों दिमुथ करना रत्नी को मिस करके तेसारा परेरा को टीम में ट्राई कर सकते हो, तेसारा परेरा आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करके देने वाला है। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो दोस्तों जैसा करना रत्ने के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से इन्हें अवॉइड करूंगा। मैं यहाँ से दोस्तों हार्दिक पांड्या को एकमात्र ऑलराउंडर की टीम में ट्राई करूंगा। आप चाहो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन की कमी नहीं है, आप चाहो अपने एक आध यहाँ से बल्लेबाज मिस करके दोस्तों अब इसका फर्नांडो को मिस करके आप ऑलराउंडर की टीम में डाल सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, लसित मलिंगा आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, भाई मोहम्मद शमी आपके लिए शानदार ऑप्शन है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। जसप्रीत बुमराह अच्छा ऑप्शन है, और बात करें लंगमल तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आया, इसरू उदाना आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएगा। युजवेंद्र चहल दोस्तों शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। भुवनेश्वर कुमार दोस्तों अच्छा ऑप्शन है, इन्होंने लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और दोस्तों यहाँ से युजवेंद्र चहल आपके लिए की फैक्टर साबित हो सकते, क्योंकि दोस्तों ग्राउंड ऐसा है दोस्तों जैसे विकेट थोड़ी टूटती है तो स्पिनर्स की मदद करते हुए नजर आ सकता है दोस्तों। और बेंदेसरी को लास्ट मैच मौका दिया गया था, इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी और एक विकेट भी इन्होंने चटकाया, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। आप देख लेते हैं किसको ट्राई करने वाला हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से मोहम्मद शमी को टीम में ट्राई करूंगा और जसप्रीत बुमराह को, इन दोनों को मैं टीम में ट्राई करने वाला हूँ। अब मेरे पास 8 कैडेट बचे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से बेंदेसरी को टीम में ट्राई करूंगा। आप चाहो तो दोस्तों रजिता के साथ भी जा सकते हो। चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, तो आपके लिए ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन हो जाए दोस्तों स्मॉल लीग के लिए, इनसे अच्छा ऑप्शन दोस्तों स्मॉल लीग में कोई नहीं है। अब हम दोस्तों ग्रैंड लीग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रैंड लीग के बारे में अभी आपके लिए यहाँ से
कल के मैच में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से लोकेश राहुल अच्छा ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। मैं अब जीएल के बारे में बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग के बारे में मैं आपके लिए इन दोनों से तीसरा कोई ऑप्शन सजेस्ट करने वाला नहीं, आप इनके लिए इंटरचेंज कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों। उसके अलावा ग्रैंड लीग के लिए मैं यहाँ से लोकेश राहुल अच्छा ऑप्शन है, वहीं बात करें यहाँ से कुशल परेरा अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं, यदि दोनों चल गए तो आपके लिए ग्रैंड लीग विन करा के भी दे सकते हैं, तो दोनों ही प्लेयर आपके लिए शानदार हैं। और दोस्तों उसके अलावा ऑप्शंस की बात करें तो हार्दिक पांडे आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।